हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल गेमिंग उर्दू। अच्छा जी, ये नया गेम आया है, इसका नाम है द फर्स्ट डिसेंडेंट। तो मैंने भी अभी स्टार्ट किया है ये रिसेंटली, सो मुझे भी कोई ख़ास आइडिया नहीं है, तो मैं भी इसको वो कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कैसे सब इसमें हिसाब किताब है। गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ऑनलाइन गेम प्ले है और शूटिंग टाइप का गेम है ये, जैसे कि अगर आपने किसी ने पहले खेला हो। ये कौन है भाई, इससे बात करते हैं। जैसे कि आपने खेला हो कहाँ, डेस्टिनी हो गया, और जैसे कि ये और भी इसी तरह के बहुत सारे गेम्स हैं। वैसे मुझे तो डेस्टिनी का आइडिया है बिल्कुल, मतलब कि तकरीबन इसी तरह का था। अच्छा जी, ये मिशन देखते हैं इसमें। मतलब कि ये आप ग्रुप में भी खेल सकते हैं, ये आप वेपन इसमें टाइड है यार, मतलब कि ऑनलाइन खेल सकते हैं, ऑनलाइन प्लेयर्स आपके साथ होंगे। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये कोई भाई हैं, कैप्टन जैक हैं, ये एलिन वन करके कोई हैं, तो इनके साथ में अब ये मिशन है। हमने ये मिशन इसमें एनिमीज को डिफीट करके और फिर इसका फाइनल बॉस होगा, उसके साथ आपने वो करना है। अच्छा, एक लेवल 33 है एक लेवल, और ये जो ड्रॉप हो रहा है ये, अच्छा इसमें देखते हैं कहाँ जा रहा है ये भाई, वो तो बहुत तेजी वक्त से पहले ही जा रहा है। ये अभी रिसेंटली ये अभी रिलीज हुआ है, ये 2nd of July को, तो ही 2nd of July को रिलीज हुआ है। और इसमें आप एनिमी, ये माय टीममेट्स हैं तीन, जिनके जिनका आप वो देख रहे हैं, वो भाई सारों को ख़त्म करते जा रहे हैं। वो हमें मौका ही नहीं दे रहा, उसके पास कोई ना कोई ऐसी, हम यूज कर रहे हैं मशीन गन। क्या हो गया, एनिमी ही नहीं, एनिमी खत्म होंगे तभी कुछ होगा। बेसिकली आपने वो रिएक्टर है कि क्या चीज है, वो आपने तोड़नी है। स्टोरी ये है इस गेम की कि हमारे साथ बेसिकली ह्यूमैनिटी ख़त्म हो गई है, ऐसा कुछ इन्होंने दिखाया हुआ है इसके अंदर। और ये हम फ्यू डिसेंडेंट्स हैं जो मेरे ख्याल से अपनी वर्ल्ड को बचाने आए हैं, या क्या सीन है, ऐसा कुछ चक्कर है। मुझे भी कोई ख़ास आइडिया नहीं है, लेकिन गेम प्ले और ग्राफिक्स और एनिमीज वो ज़बरदस्त है यार। मैं आपको इस मिशन के बाद दिखाता हूँ, मिशन है बेसिकली जो आपने इसमें पूरे करने हैं। इस मिशन के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि वेपन्स कौन से यूज़ कर रहे हैं। वेपन्स हम ज़बरदस्त वेपन्स यूज़ कर रहे हैं इस टाइम हम।
राइड भागती आ रही है। ये रेड डॉट जो आ रहा है ना थोड़ी थोड़ी देर में बीच में, ये मुझे कोई आइडिया नहीं है क्यों आ रहा है, क्या वजह है इसके आने की। अब ये आ गई बॉस की। अच्छा इधर बॉस साहब भी आने हैं मेरे ख्याल से कहीं पे, इधर है कोई आइडिया नहीं है। एक एक भाई तो बिल्कुल ही लेवल 11 है, लेवल 11 हो रहा है, हम मेरे ख्याल से लेवल 30 हैं या ऐसा कुछ है। ओके लेट्स गो Let's go to the next level. हमारे पास वेपन नो याओ जबरदस्त रिसरक्शन रिसरक्शन लिमिट। ये क्या चक्कर है भाईजान पहले निकल गए। अब इसमें एंड में बॉस होगा लाजमी। यार बुलेट नहीं है। बेसिकली इस गेम में आपको मिशंस करने हैं, वो मिशन से आपको चीज़ें मिलेंगी, वेपन्स मिलेंगे आपको और चीज़ें मिलेंगी उस। मैंने चेक कर लिया जबरदस्त यार। अब ये हमें चीज़ें मिली हैं चोरी चोरी चकारी की है बेहतरीन करके हमने, और ये हमारा मिशन हो गया है कंप्लीट। ये क्या चीज़ है भाई जबरदस्त। यू कैन नॉट रिप्लेनिश दिस आइटम। मिशन सक्सेसफुल। इसमें हमें डैमेज दिखा रहा है कि मैंने को 360,000 डैमेज किया और ये सारी चीज़ें मुझे मिली हैं जबरदस्त यार। वापस चलते हैं बेस पे और मैं आपको समझाता हूँ इसमें चक्कर क्या है। गेम का अच्छा ये हमारी बेसिकली बेस है ठीक है, ये हमारा बेस है जहाँ पे मतलब कि कोई एनिमी शेनिमी का सीन नहीं है, ये चीज़ें हैं आपकी और बाकी एक्स वाई ज़ेड चीज़ें ठीक है। ये हमारे बेसिकली एरियाज हैं
अभी फिलहाल तो दो ही खोले, जैसे मैंने आपको बताया अभी रिसेंटली मैं अभी स्टार्ट किया है, कल ही मैंने खेला था इसको। एक तो ये एरिया, एक ये एरिया, सिटीज हैं बेसिकली। ये है सिटी, एक सिटी ये है, मेरे ख्याल से और एक्सपेंड होंगी, और ये बहुत सारी और भी हैं साइडों में ना, ये मेरे ख्याल से हाई लेवल होगी। फिर ये बॉस फाइट्स हैं, ओनली बॉस फाइट्स हैं ये। तो इधर आप जाएंगे अगर तो ये देखें सिर्फ बॉसेस हैं। दिखाता हूँ मैं अभी आपको वेपन्स का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं यूज़ कर रहा हूँ मशीन गन। इसका डैमेज है 410, फायर रेट फायर और उसकी मैक्सिमम मशीन गन पर रेट इसकी बुलेट्स जो हैं वो 105 हैं। अच्छा एक सेकंड मुझे ज़रा, एक सेकंड दें ज़रा मुझे। अच्छा तो हम किधर थे, तो ये बेसिकली वेपन्स हम यूज़ कर रहे हैं, फायर आर्म अच्छा एक 410 है, राउंड्स पर मैगजीन 105 है, फायर रेट 571 है। अच्छा ये है असैसिन्स एज हैंड कैनन, ज़बरदस्त है यार। इसके डैमेज इसका 1647 है, जैसे कि आप देख रहे हैं मशीन गन है ना इसके अंदर, मतलब ये चलती रहती है ना, तो इसमें 410 इसका डैमेज रखा, इसका देखें 1647, ये 1 per bullet है, मतलब 9 bullets हैं एक मैगजीन में। बेसिकली ये एक तरह की रिवॉल्वर टाइप की है, लेकिन स्टाइल देखें आप गन का। और ये है हमारे पास लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर, इसके है 3664। अच्छा ये इसी तरह हमें वेपन मिलते जाएंगे ना। अब ये वेपन है, इतना कोई ख़ास नहीं है वेपन ये। अच्छा ये हमें वेपन मिला है बीम राइफल। अच्छा ये भी कोई बीम का कुछ चक्कर होगा इसका। फिलहाल जो हम अभी रन कर रहे हैं वो ज़बरदस्त है। अच्छा ये से डिफरेंट लेवल्स हैं, रेयर है, स्टैंडर्ड है, और मेरे ख्याल से रेयर और स्टैंडर्ड ही दिए हैं मेरे ख्याल से, और बदो ही लेवल हैं, या तो रेयर है या स्टैंडर्ड है। ठीक है ये तो आपके वेपन्स हो गए ना। इसमें अब ये मॉड्यूल्स हैं हमारे पास डिफरेंट ना, जिसमें ये होता है कि आप अपने साथ आप क्या हाई, अब ये जैसे क्रिएट्स अ कोल्ड स्नैप जोन इन फ्रंट दैट रिमेन्स दिस, ठीक है ना। अल्टीमेट वेस एक्सक्लूसिव मॉड्यूल्स अप्लाई टू एक्टिव डिसेंडेंट, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली मोड्स लगाए हुए हैं अपने उसके साथ ना, ड्रेस के ऊपर जो भी ड्रेस हम यूज़ कर रहे हैं। अब ये दो नए आए हैं, इसमें फायर रेजिस्टेंस है और ये फायर रेजिस्टेंस 18+ मैक्सिमम एच पी माइनस टी। अच्छा ये भी डिफरेंट मोड है मेरे ख्याल से, ठीक है। इसमें क्या है, मैक्सिमम एच पी 22, हमारे पास एच पी है 41.4, नहीं मेरे ख्याल से मैक्सिमम एच पी ठीक ही है, ये ठीक ही है। वैसे ये डिफरेंट मोड हैं, आप अपने उसके साथ लगा सकते हैं। अब पता नहीं हमारे पास और खुला है कि कोई नहीं खुला, नहीं स्पेस नहीं है असल में, हमें और स्पेस चाहिए। ठीक हो गया, ये हो गया। अच्छा वेपन्स के साथ आप अपने मोड्स अलग से लगा सकते हैं, जैसे ये रीलोड टाइम मॉडिफाई 8% ना इंक्रीज हो जाए। अब ये पता नहीं, हाँ ये यूज़ कर सकते हैं बहुत ज़बरदस्त, फायर अप रेट 8% हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं ये वाला मोड। तो ये मेरे ख्याल से इसको हम शायद जंक कर सकते हो, नहीं जंक नहीं कर सकते एक्सन को। अच्छा ठीक है, इसको जंक नहीं कर सकते, ठीक है। और ये दूसरा वेपन हमारे पास है मशीन गन, आ गई मशीन गन थी ना ये वाली, शायद नहीं ये वाली नहीं है, एक सेकेंड दें ज़रा, इसके ऊपर से मोड्स हटाएँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है, ये यूज़ नहीं कर रहे हम अभी। हम यूज़ कर रहे हैं मशीन गन जो कि है, कहाँ गई इधर कहीं नज़र नहीं आ रही मशीन गन वैसे मुझे। लास्ट नाइट स्पेशल राउंड्स बस वेपन आ रही है, अब चेक कर रहे हैं, ये भी मौजूद है मेरे पास। क्या है ये वेपन, DPS बताया हुआ नहीं है, मशीन गन पता नहीं कहाँ गई। ये वाली यूज़ कर रहे हैं शायद हम,
ये अच्छा हम मशीन गन यूज़ कर रहे हैं, मैं जो डिफरेंट वेपन देख रहा था ये है हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें मैंने ये सारे मोड्स लगाए हुए हैं, फायर अप रेट और ये सारे ना इसमें बेसिकली हेल्प करेगा। जैसे एक्यूरेसी 11% है, राउंड पर मैगजीन ये है, क्रिटिकल हिट और ये सारे लगाए हुए हैं। ठीक है, फिलहाल हम अपना ये करेक्टर यूज़ कर रहे हैं। एक और हम करेक्टर यूज़ कर सकते हैं, ज़रा चेक करते हैं। अच्छा बेसिकली मेन स्टोरी लाइन जो है ना उसमें आपको इस बंदे से बात करनी है, अभी करते हैं इसे। पहले हम चलते हैं, एक बंदी थी यहाँ पे, हाँ करेक्टर चेंज करते हैं हम। ये चीज हमें अब बंदा चेंज कर दे, बंदा ये बंदी थे हम दूसरी बंदी पे आ रहे हैं। कोई आवाज नहीं है हैरत। यू हैव अक्वायर्ड अ न्यू डिसेंडेंट, वेरी नाइस, जबरदस्त डिसेंडेंट हमें मिल गया है। अब हमने डिसेंडेंट अगर हम चेंज करना चाहते हैं इन्वेंट्री में जाके, डिसेंडेंट में जाके, ये चीज बेसिकली इसकी स्पेशलिटी आपकी आइस है, आइस बॉल्स या इस तरह की कोई चीज फेंकती है। ये हमने ली है नई ये वाली। जबरदस्त यार। अच्छा वेपन्स वगैरह हमारे मूव हो गए होंगे इसके पास, हाँ मूव हो गए ना। और इसके मॉड्स, अच्छा यहाँ पे हमारे पास थोड़े से रिएक्टर शिएक्टर टाइप की कुछ चीज़ें हैं, गाड़ी नहीं क्या चीज़ें, ये मशीन गन के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं। और ये जो यूज़ करती है, अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें ओपन होंगी, कोई नई चीज़ तो नहीं आई है इसमें। अच्छा ये नए आ गए ना इसमें, फायर रेजिस्टेंस। अच्छा ये हमने नया बंदा है तो हमने ये सारे स्किल्स मॉड्यूल सारे करने, उसके स्किल इफेक्ट रेंज प्लस अप्लाई ओनली टू सर्टेन स्किल्स फॉर ईच डिसेंडेंट। क्या है ये, मैक्सिमम एचपी, स्किल कूल डाउन -6%, ये भी ठीक ले ले सकते हैं। मैक्स शील्ड और एट्रीब्यूट रेजिस्टेंस, ये भी टायर्ड है। इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस, फायर रेजिस्टेंस नहीं समझ नहीं आया। मॉडिफाई द चार्ज सब अटैक यूज शॉक नहीं, डिफेंस ले सकते हैं, स्किल पावर मॉडिफायर ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी ऑप्शन है तो क्यों ना यूज़ करें इसमें। सॉर्ट बाय न्यू, सॉर्ट बाय टियर, नॉर्मल रेयर अल्टीमेट, अच्छा ठीक है। फायर रेजिस्टेंस 18 मैक्सिमम, नहीं रेयर तो है लेकिन कोई इतना ख़ास नहीं है, ये यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस का हमने क्या करना है, मतलब HP 41 ये है ना, मतलब जो से अभी चल सकते हैं वो यूज़ कर लेते हैं। अभी इसके इतने हैं नहीं मॉड्स हमारे पास, ठीक है ना, तो इसको यूज़ करके देखते हैं। ये हमारा चल रही कह रहा है कि मैक्सिमम लेवल, अच्छा मास्टरी लेवल, ये पता नहीं कब ओपन होगा। ओहो ये ओपन हो गया, ट्रांसमिट तो ये अभी ओपन हुआ है, पहले नहीं हुआ था। ट्रांसमिट द वेपन लेवल बाय इन्फ्यूजिंग अ वेपन ऑफ अ हायर लेवल टू अ वेपन ऑफ अ लोअर लेवल, सेलेक्ट अ मटेरियल वेपन टू ट्रांसमिट। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं, इसको असेसेंस को सेलेक्ट अ वेपन टू यूज एज अ मटेरियल है ही नहीं हमारे पास ना। हम ये यूज़ कर रहे हैं, एक सेकेंड। अच्छा ये इसके लिए हमें, यू हैव नो आइटम मीट द कंडीशंस, ओके, लेकिन इस वाले में हो रही हैं। अच्छा ये भी ठीक है, मशीन, और हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम ये यूज़ कर रहे हैं, इसको भी नहीं हम नहीं कर सकते। अच्छा ओ ये हम कर सकते हैं, लेकिन किसके साथ करना है,
इसके साथ कर लेते हैं। नो ट्रांसमिशन मटेरियल, ये कहाँ से मिलेगा हमें? फिर एक्सचेंजर स्पेशल रिसर्च मटेरियल्स। अच्छा मेरे पास 50 हैं, मुझे 161 चाहिए, समझ गया। और ये हमें मिलते हैं ये अजीब सी चीज़ जो है, मुझे याद पड़ता है इसको शायद करने से मिलता है, नहीं इसको करने से नहीं मिलता, हमें मिलता है वेपन्स को करने से। अब ये जैसे कि दो हैं, इसको मैं जंग करता हूँ, देखता हूँ कि इससे मिलता है कि किससे मिलता है। हाँ इससे मिलता है, दो मिले। अच्छा मेरे ख्याल से टू अर्ली है हमारे लिए ना अभी कोई वेपन का काम करना, तो हमने क्या करना है। अच्छा और जो जो इम्पोर्टेंट आइटम्स वगैरह हैं वो सारे हमारे मेल बॉक्स में ड्रॉप होते हैं, जो हम बेसिकली मिस कर रहे हैं। अच्छा ये भी कोई मिशन है। ओके ओके ओके, लेट्स फाइंड आउट मेल बॉक्स। हमारे पास ये है मेल बॉक्स, यहाँ देखते हैं कोई ऐसा स्पेशल आइटम जो हमने मिस कर दिया हो, लूट वगैरह नहीं। अच्छा ये है हमारे पास, ओके ओके, नहीं तो खास नहीं है ना। कम्युनिकेशन मेल बॉक्स मेल, ये सारे हमने रिवॉर्ड्स वगैरह ले चुके हैं, कोई ऐसा नहीं है जो हमने ना लिया हो। ठीक है ठीक है ओके राइट, चलें काम ये करते हैं। इस एपिसोड को हम शॉर्ट ही रखते हैं, मैं फिर नेक्स्ट एपिसोड जो है वो काफ़ी लेंदी बनाऊंगा और उसमें मैं मिशंस और ये सब चीज़ें आपको दिखाऊंगा, नए वेपन्स लेंगे एक्वायर करेंगे, उसको फिर यूज़ करेंगे, देखेंगे कि कौन सा वेपन कैसा है, ग्राइंड करेंगे बेसिकली। इसमें चक्कर ये है कि आप ग्राइंडिंग करते हैं, मतलब मिशंस लेते हैं डिफ़िकल्ट, और उससे आपको न्यू वेपन्स न्यू मोड्स और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपने अपना ख्याल रखिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स, बाय।